कि जब कुत्ते बिल्ली ज्यादा हो जाए तो अगर खेत खलिहान में आप जाती है तो अपने हाथ में दाती खुरपे रखें, क्योंकि इस सरकार पे अब हमारा भरोसा नहीं रहा, तो अपने सेल्फ डिफेंस में दाती खुरपे खसले अपने साथ लेकर चले, जिससे कि हम न्याय की बात कर सके। कंगना हाथ जाकर देखे जो कहती है कि जाति को देखकर कि जाति खत्म हो गई है, कंगना का एक घर क्या टूटा तो पूरे देश में भौचाल आ गया। अगर 24 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार को एक्शन लेती है तो हमारा न्यायपालिका विश्वास है, अन्यथा न्यायपालिका ये तय नहीं कर पाएगी कि इंसाफ हमें कैसे लेना है। फिर इंसाफ हम स्वयं अपने हाथ से लेंगे और डंडे की चोट पे लेंगे। उनके गुंडे आए दिन कब्जे लूट बलात्कार करते हैं, उन गुंडों को बीजेपी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और खास करके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो खुद एक रेपिस्ट बलात्कारी है, तो जिस सरकार में गुंडे सरकार चला रहे हो वहाँ बहुजन समाज की बेटियों को इंसाफ कैसे मिल सकता है। तो सरासर ये 302 का मामला नहीं, हॉस्पिटल में हत्या हुई है, ये बिल्कुल हत्या हुई है। ये मामला जो है वो हाई लेवल से जुड़ा हुआ है, योगी के गुंडा जुड़ा हुआ है। योगी चाहता नहीं था कि दलित समाज की बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन ये हत्या, ये पूरी बहुजन समाज की बहन बेटी की हत्या है। और खासकर मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो आरएसएस के एजेंडे पर काम करते हैं, चाहे वो रमन वाल्मीकि रहा हो, परशुराम वाल्मीकि रहा हो, जितने भी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों या लोगों की हत्या हुई है, उन सभी हत्याओं में बीजेपी के गुंडों द्वारा उनकी हत्या कर जाता है, जेल में की जाती हो या अस्पताल में की जाती हो। और जो संगठन बजरंग दल आरएसएस के एजेंडों पर काम कर रहे हैं, जितनी भी घटनाएं पूरे देश में दलित समाज या बहुजन समाज के साथ हुई, उनमें कोई भी संगठन जो अपने आप को हिंदूवादी बात करते हैं, एक भी संगठन बाहर निकल के नहीं आया, चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो। लेकिन बात अगर कोई किसी अलग समाज की हो जाए तो टीवी पे टीआरपी बढ़ाने के लिए आए दिन घटना दिखाई जाती है, लेकिन आज मजबूरन में जो गोदी मीडिया है मजबूर होकर के सवाल पूरी दिल्ली जाम होने की स्थिति पे आ गई है, जब मीडिया दिखाने का काम कर रही है और पीड़ित परिवार को गुमराह कर रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक कंगना को सुरक्षा मिल सकती है जो एक नजरिया है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश में लगातार एक घंटा बीतता नहीं है और रेप की घटना आ जाती है। सीएम योगी कह रहे हैं कि किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये तो सिर्फ कहने की बात है। जहाँ पर योगी सरकार की कुंडली खोलने की बात आती है तो कानपुर जैसे मामले में साथियों अपनी कुंडली बचाने के लिए एनकाउंटर विकास दुबे का दिखा दिया जाता है, और जहाँ पर दलित समाज के इंसाफ की बात आती है वह गुमराह किया जाता है। अगर सरकार चाहती तो 24 घंटे में रेप होने के बाद उस बहन की रीढ़ की हड्डी तोड़ गई, हाथ पैर की हड्डियां तोड़ी गई साथियों, और आखिर में उसकी जीभ काट दी गई, ये मनोबल डाउन करने की बात है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र बैठे नरेंद्र मोदी जो बार बार ये कहते हैं कि मेरे दलित समाज को मत छेड़ो, मुझे गोली मार लो, अगर वो इसमें इंसाफ नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश नहीं माननीय नरेंद्र मोदी के घर का घेराव किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार से, योगी सरकार से, या तो आज निर्णय ले ले कि उन्हें फांसी सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो युवा शक्ति दल नहीं पूरे बहुजन समाज के संगठन जेल में से घुस के उन 5000 रुपए को जान से मारने काम करेंगे। रही बात इंसाफ की तो इंसाफ चौकियों मांगने से नहीं मिलता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो निर्णय है ये वो वाल्मीकि समाज है, मैं कहना चाहूंगा वाल्मीकि समाज के लोगों से जो बीजेपी के अंदर बैठ के काम करते हैं कि आप अपनी ताकत को भूल गए, वो छुरी वो तलवार बाहर निकाल लीजिए। अगर प्रशासन के लोग हमारे लिए काम नहीं करना चाहते तो साथियों ये मनुस्मृति लागू है, ये संविधान का दुरुपयोग है। आज 15 दिन हो गए वो बहन बेटी इंसाफ के तड़प रही और सप्तर बाद उसकी हत्या कर दी गई। उन डॉक्टरों का नाम उजागर करें, सबसे अस्पताल के आला अधिकारी कि किन लोगों ने उसका पास इलाज किया है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि जैसे हैदराबाद में डॉक्टर लेडी के जो अपराधी उनका एनकाउंटर किया गया, इसी प्रकार पे इनका भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए, कितना सही मानते हैं? अगर पुलिस वास्तव पुलिस के अंदर अपनी इंसानियत जिंदा है तो एनकाउंटर करे, और जो न्यायाधीश में बैठे जज साहब उनके अंदर इंसानियत जिंदा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 10 दिन के अंदर आश्वासन दे करके उन्हें फांसी की मांग की जाए। अगर किसी जज की बेटी होती, किसी IAS IPS की बेटी होती तो साथ ही सबसे पहले वो एनकाउंटर हो गया जाता, लेकिन ये एक वाल्मीकि समाज की बेटी है, उस समाज को सिर्फ इन्होंने ये समझा के तबाह कुचला है। और मैं अपने वाल्मीकि भाई से कहना चाहता हूँ, अपने घरों से वो हथियार निकाल लीजिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो लड़ाई उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में आर पार की होगी, और युवा शक्ति दल उन अपराधियों घर में घुस के मानते काम करेगा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। योगी सरकार से या न्यायपालिका से आपको विश्वास है कि न्याय मिलता है? अगर 5 दिन के अंदर रिजल्ट आता है, अगर 24 घंटे में उत्तर प्रदेश सरकार को एक्शन लेती है तो हमारा न्यायपालिका विश्वास है, अन्यथा
न्यायपालिका ये तय नहीं कर पाएगी कि इंसाफ हमें कैसे लेना है। फिर इंसाफ हम स्वयं अपने हाथ से लेंगे और डंडे की चोट पर लेंगे। लेकिन बीजेपी का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लाखों बहन बेटियों के रेप बलात्कार हुए हैं जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आई है। अगर ये बेटी बचाओ ये बेटी पढ़ाओ है तो नहीं चाहिए हमें नरेंद्र मोदी के नारे, नहीं चाहिए बीजेपी सरकार के नारे। जहाँ पर बेटी को आए दिन कोई पेंशन बनवाने बेटी जाती है, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने बेटी जाती है, तो उस बेटी को घर वापस लौट के नहीं आती। तो ये मात्र एक नारे नारे बन के रह गए। और इन्हीं गुंडों ने जो नारे दे रहे थे, इन्होंने ही भाई इस बहन की हत्या की गई, इसका बलात्कार किया गया। ऐसे कितने मामले हैं जो आज तक उजागर नहीं हुए, वो मान सम्मान में अपनी इज्जत के मार दबा दिए गए। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं पूरे देश से आवाम से कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन बेटी सम्मान के लिए, मैंने पहले भी कहा कि जब कुत्ते बिल्ली ज़्यादा हो जाएं तो अगर खेत खलिहान में आप जाती हैं तो अपने हाथ में दांती खुरपे रखें, क्योंकि इस सरकार पे अब हमारा भरोसा नहीं रहा। तो अपने सेल्फ डिफेंस में दांती खुरपे खसले अपने साथ लेकर चले, जिससे कि हम न्याय की बात कर सके। क्या क्या लगता है आपको, दिल्ली में निर्भया होता है, एक निर्भया हाथरस करता, दोनों में अंतर क्या? लेकिन निर्भया भी हमारे समाज की बेटी है। लेकिन जहाँ पर न्यायपालिका के लोग, प्रशासन के लोग जाति देखकर न्याय की बात करें तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा हुआ, कांग्रेसी सरकार तक गिर गई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में डेली एक निर्भया दोहराई जाती है, उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है, रेप किया जाता है, यहाँ तक कि जीप काट दी जाती है। लेकिन प्रशासन के लोग जाति देख करके हम लोगों को दबाने का काम करते हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सर आपने भी कंगना का जिक्र किया, कंगना कह रही कि जाने वक्त तो खत्म हो गया देश में, तो आज कंगना आए ना सर्वदलीय में, कंगना हाथ से जाकर देखे जो कहती है कि जाति को देखकर कि जाति खत्म हो गई है। कंगना का एक घर क्या टूटा तो पूरे देश में भौचाल आ गया। और यहाँ पर आए दिन घर उजड़ते हैं, बहन बेटों की इज्जत टूटती है। जब तो कोई कंगना टूट नहीं करती, जब अपने में बीती तो पता लगा कि शोषण कैसा होता है। और जो आए दिन ये बहुजन समाज जो खेत खलियानों में काम करता है, रात दिन इनकी मलिन बस्तियों में जाकर के इनका साफ करने काम करता है, उनके आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये हम बताए बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ये सोच ले कि बारिश तो बहुत दूर है, हमने पढ़ाया बहुजन महापुरुषों को, इसका रिजल्ट हम 24 घंटे में देने काम करेंगे। अगर हमारे साथ रिटर्न नहीं आया और प्रशासन ने साइड रिजल्ट नहीं लिया तो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान श्री वाल्मीकि शक्ति जिंदाबाद, भगवान महर्षि श्री वाल्मीकि शक्ति सर। सर आपकी क्या मांगे, किस वजह से, मतलब थोड़ा बता सकते हैं प्लीज? चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, ये पोस्टमार्टम में जी अपलेबाजी की जा रही है जी, पोस्टमार्टम सही तरीके से होना चाहिए जी जी, क्योंकि गलत प्रक्रिया या गलत तरीके से कोई क्राइम हुआ है या कुछ गलत घटना हुई है उसका उनको कठोर से कठोर दंड मिले, हम ही चाहते हैं। देखो चाचा, ये लिटिगेशन का मसला है, आगे जो कानूनी प्रक्रिया चलेगी उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये होता है, डे टू डे जो है ना हेयरिंग चलती है, ठीक है, उसमें जल्दी सुनवाई होती है और फैसला एक बेंच भी सुनती है, उसमें फैसले आपके गांव भी गए, हमने प्रोटेस्ट भी किया, सारी चीज़ें संगन में, वहाँ पर सर ना तो प्रॉपर इलाज दिया गया इस बच्ची को, वहाँ से वेंटिलेटर के यहाँ पर लाया गया, इन परिवार की जो ना इलाज भी इन्होंने पैसे खुद दिए है ना, गलत हुआ, तो इन परिवार के लोगों से हमारी बात हुई थी। इन लोगों की जो डिमांड है, सबसे पहली डिमांड तो यह है कि ये मुकदमा 6 महीने के अंदर डिसाइड होना चाहिए, ठीक है, ये कर लेना भाई, लिख लो आप, लिख लो सर, ये जो परिवार के, शर्मा जी ध्यान से सुन लेना, आप लोगों की सरकार है, इसमें एक कोई बात नहीं है, ठंडा नहीं होना, कोई बात नहीं है ना, उसको कुछ करूँ हम बोर्ड से साइन कर, सुनो मेरी बात, आप सुन लो, इसमें सर, इसमें तुरंत प्रभाव से
लिटिगेशन में देरी ना हो, छह महीने के अंदर मुकदमा डिसाइड होना चाहिए, कर सकती सरकार कोई भी बात, ठीक है। छह महीने का डे टू डे हेयरिंग हो और उससे पहले इस परिवार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वहाँ के प्रशासन की, और इन लोगों को आर्म्स लाइसेंस सरकार प्रोवाइड करो, उनके लाइसेंस प्रोवाइड करो। कोई बात नहीं, हम अपने आपसे, ठीक है। दूसरा, इस परिवार की रहने की व्यवस्था गांव में नहीं रहने देंगे वो लोग, इनको शहर में अकोमोडेशन लेके दिया जाए सरकार की तरफ। सही है, सरकार दिल्ली की सरकार लाला की सरकार के हॉस्पिटल ने हत्या की हमारी बेटी की, हमारी बहन की। ये मुख्यमंत्री भी उतना ही जिम्मेदार है जितना योगी जिम्मेदार है, या तो फिर वो पहले की मेडिकल रिपोर्ट बताए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। ये 1 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे, 1 करोड़ रुपए केजरीवाल दे, और 3 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार दे, 5 करोड़ रुपए इस परिवार की आर्थिक सहायता होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से, इंसान मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी इनके परिवार में मिलनी चाहिए उनके आजीविका के लिए। और दूसरा, वहाँ जो भी लोग इसके और भी लोग इसमें 120 मिल गई है इसके सारे दायरे में वहाँ का तो विधायक है वीरेंद्र राणा, ठीक। आप और बताइए, वीरेंद्र राणा विधायक है वहाँ का, उसने अपने घर में छुपा कर रखा अक्यूज दो सालों को, विधायक भी मुकदमा दर्ज होगा 302 में, ये विधायक भी आना चाहिए 120 में। आम का लाइसेंस दिखवा दिया मैंने, और बता दिया सुरक्षा का, सुरक्षा मुहैया कराई जाए, आम लाइसेंस इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और बताइए, विधायक का तो लिखो, विधायक का तो लिखो, सरकारी आवाज दिया जाए, सरकार की तरफ से आवाज दिया जाए शहर में। नहीं बोल रही, वो हमारी जिम्मेदारी है। और ये जो जजमेंट है ना सर, इसकी जो जजमेंट आएगी, सुन लो आप, एक इसमें जो जजमेंट आएगी इस मुकदमे में, उस बेंच में एक शेड्यूल कास्ट जज होना चाहिए, जो भी बेंच बने उसमें शेड्यूल कास्ट जज होना चाहिए, और वो बायस ना हो, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति होना चाहिए। और हमारी सबसे जो मेन मांग वही है, फांसी होनी चाहिए दोषियों को। हाँ, यही मांग है सबके, फांसी होनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं इन चीजों से? भाई कहाँ का? भाई लोग कोई बात नहीं, आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन सही बात कर रहा है, पहले फांसी और पहले इंसान मिलना चाहिए, वो लिख दिया। बताओ बाबा, और बताओ, और कोई बात है? और अच्छा है, मेरा छोटा भाई है, उनसे और थोड़ी बहुत बात है। और इसमें ना सर, इसमें ना सर, एक निवेदन हो रहा है आपसे कि यूपी का जो मालिक है आज योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे लिए जब तक वो पद पे बैठे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से वो मुख्यमंत्री, नहीं तो फिर घंटा बजा रहता हूँ, उसको आदेश दिए जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसमें किसी भी तरह का जो है ना छेड़छाड़ ना की जाए, पक्षपात ना किया जाए जाति के आधार पर। और इस इन जजों के पैनल में एक भी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए जज, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा जाति देख के न्याय देता है। बिल्कुल सही है। और इनसे एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करवाओ प्रशासन से वहाँ के, कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, ये सारी चीज़ें प्रेस विज्ञप्ति में होनी चाहिए उसकी, प्रशासन की, ये आपके लिखने से काम नहीं चलेगा। नहीं, हमको अपने डीएम साहब हैं मेरे पास संपर्क में, डीएम आत्रा से लगातार बात कर रहे हैं, तो जो भी हम उनको बयान भेज देते हैं, बाबा अब इसका थोड़ा फोटो चाहिए, फोटो ले लेंगे उसका, हम तो बहुत सीधे साचे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये है ना कि आप समझ रहे हो कि हम तो ये नहीं देख रहे हैं, फोटो जरूर लेंगे, इसका फोटो एक फोटो जरा दिखा दीजिएगा शर्मा जी, हमारे हम लेके चलेंगे कोई फोटो हमारे बात करने में।
डीएसपी साहब नमस्कार सर, आपने यहाँ जो आपके अधिकारी है ना शिव साहब उसका एक फोटो दिलवा दो। एक तो प्रेस विज्ञप्ति होना प्रशासन की तरफ से सारी डिमांड्स 6 महीने के शहर रिकमेंडेशन दिया गया और 5 करोड़ रुपए। हाँ सही है बिल्कुल, बॉडी यही भैया सही भैया बॉडी। हमने उसका एक फोटो चाहिए था जो आपने किया ना, नहीं वो जो फोटो खींच उसकी उसमें देने की आपत्ति आ रही है। हम समाज के लोग हैं, परिवार के लोग सब डिमांड कुछ नहीं मेन साहब चाहिए फर्स्ट योगी का इस्तीफा चाहिए। सर अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए सिर्फ। अरे यार वो बताएंगे हैं? वो बताने का भी नहीं है, एक बार बता कौन शर्त में है नहीं। आप जबरदस्ती उनसे ले रहा हो, वो उनके सहयोगी है, वो साथ दे रहा है, वो बता रहा है, ये बता रहे हैं। बहन तो बहन है, जिसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ, रेप हुआ, डंडा डाला गया, तो बहन तो खड़े हैं बता दो यार कितनी बार बता कह रहे हो कोरोना मतलब ये ना लड़की का भाई भाई है तो भाई है ना। सबको एक ही बात बताई जा रही है, खरीदने लाल वाले सीख नहीं आ रहे हैं। कई बार इतनी बात हो चुकी होगी ना, मिल जाएगा मिल जाएगा। मैं भी ये फील करती हूँ क्या है इतना बुरा मौसम, लेकिन अब जब ये सब कुछ हो चुका मतलब अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या हल हो? मैं इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, इंसाफ और जो भी आरोपी है उनको ऐसे चाहिए। चाहे योगी जी आए, चाहे मोदी जी आए, चाहे और कोई भी आए, तो यहाँ से हम जब जाएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। और हमें जो इंसाफ है दिल्ली से मिल सकता है, यूपी से नहीं मिल सकता। यूपी में जंगल राज है, यहाँ पर बेटी को ना मारा हुआ लाया गया था, वो वेंटिलेटर पे थी अलीगढ़ में, और यहाँ पर लाके इन्होंने फिर वेंटिलेटर पे रखा, एक दिन एडमिट नहीं हुआ उस लड़की, वो लड़की मर गई। तो ये जवाब कौन देगा? ये दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उस आराम कौर के अंडर में आते हैं अस्पताल, वो उस दिन से पहले की MLC थे, हमें जिस दिन एडमिट की थी वो लड़की, क्या उस दिन वो जिंदा थी? ये सारा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज रोज की रोज बहुजन समाज की बेटियां अत्याचार रहे हैं। अगर यही लड़की के नाम के पीछे शर्मा वर्मा लगा होता ना, तो सारे लोग इंडिया गेट पर पहुंच जाते। रात के 2 बजे घूमने गई थी तेलंगाना, सही है तेलंगाना में प्रियंका रेड्डी के 24 घंटे में अपराध को एनकाउंटर कर देगा। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? अगर वो रेपिस्ट ठाकुर समाज से हैं, तो योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें सजा प्राप्त है। हाथरस के DM SSP ने उन आरोपी को बचाया, अगर वो चाहते तो 24 घंटे के अंदर उनका एनकाउंटर हो सकता था। हाथरस की पुलिस का तेलंगाना। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।